रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें कैथल से आ रही है बड़ी खबर। विधायक लीलाराम के विवादित बयान का मामला, जी हां, विवादित बयान लीलाराम के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी कैथल से आ रही है। विधायक लीलाराम के विवादित बयान का यह मामला और जानकारी फिलहाल मिल रही है कैथल से, लीलाराम के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। तो बता दें आपको कैथल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, विधायक लीलाराम के विवादित बयान के इस मामले में फिलहाल अब FIR जो है वो दर्ज यहां पर की गई है, थाने में FIR दर्ज करवाई गई है, शिकायत दर्ज करवाई गई है विधायक लीलाराम के विवादित बयान का ये मामला। और इस मामले को लेकर फिलहाल मामला जो है थाने तक पहुंचा है और लीलाराम के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, विधायक लीलाराम के विवादित बयान का ये मामला और इस मामले को लेकर अब ये मामला थाने तक पहुंचा है, लीलाराम के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैथल से विधायक लीलाराम के विवादित बयान का ये मामला सामने आया है और थाने में शिकायत जो है वो दर्ज करवाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर कैथल से आ रही है, विधायक लीलाराम के विवादित बयान का ये मामला बताया जा रहा है जिसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है उनके विवादित बयान को लेकर, आप कार्यकर्ताओं को लेकर। दरअसल उन्होंने बयान दिया था, एक विवादित बयान दिया था, आप कार्यकर्ताओं को आतंकवादी बताया था जिसको लेकर अब थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। विधायक लीलाराम के इस विवादित बयान को लेकर अब ये मामला जो है वो पुलिस तक जा पहुंचा है, लीलाराम के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई है। तो आप कार्यकर्ताओं को लेकर ये विवादित बयान विधायक लीलाराम ने दिया था, आप कार्यकर्ताओं को आतंकवादी उन्होंने अपने बयान में कहा था, जिसके बाद अब उनकी शिकायत है वो पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है। लीलाराम के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस विवादित बयान के चलते ये शिकायत जो है वो दर्ज करवाई गई है विधायक लीलाराम पर। तो बड़ी खबर, आप कार्यकर्ताओं को आतंकवादी बताया था अपने बयान में विधायक लीलाराम ने।